गाइज इट्स मी मीनाक्षी और आज का वीडियो है एक इंस्पायर्ड वीडियो एक लुक से और वो लुक है हयात एक टीवी एक्ट्रेस है। आजकल उनका मेकअप लुक बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, जिस टाइप से वो मेकअप करती हैं, जिस टाइप से दिखती हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी कोशिश करूं कि मैं जैसा लुक क्रिएट कर सकूं। बट इट डजेंट मीन कि मैं अपने आप को बिल्कुल की तरह ट्रांसफॉर्म कर लूँगी, क्योंकि वो हो नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि उनकी जो स्किन टेक्सचर है, जो फेस स्ट्रक्चर है, मीन्स सब कुछ डिफरेंट है। बस हाँ, वो जिस टाइप से मेकअप करती है, मीन्स वो बहुत ही ब्रॉन्जर यूज़ करती हैं, और जो उनका आई मेकअप होता है वो बहुत स्मोकी टाइप होता है, जो लिपस्टिक होती है बहुत ज़्यादा डार्क लिपस्टिक नहीं लगाती, इट मीन्स रेड भी आउट होके नहीं आती है, तो उनका मेकअप बहुत ही डिफरेंट होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी उनका ये मेकअप लुक ट्राई करूँ, और अगर आप लोग देखना चाहते हैं ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया, देन लेट्स कीप ऑन वॉचिंग। गाइज मैं अपना फेस ऑलवेज कर चुकी हूँ, और प्राइमर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ माई ऑल टाइम फेवरेट लैक्मे एब्सोल्यूट मेकअप प्राइमर, और इसे मैं अपने फेस पे लगाऊंगी जहाँ जहाँ पे मुझे लगता है कि मेरे पोर्स ओपन हैं, बड़े हैं, तो वहाँ वहाँ पे। और गाइस फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस फाउंडेशन इन कलर ब्रॉन्ज बेज, और इसे मैं थोड़ा थोड़ा ही लगाऊंगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हाई कवरेज है, मीन्स बहुत इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, तो बस आप इसे थोड़ा थोड़ा सा मैं हर जगह अपने फेस पे लगाऊंगी, और मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लूँगी। बहुत ज़्यादा हाइलाइटर यूज़ नहीं करती है, मेकअप बहुत ही कम होता है, मीन्स जो कि उन्होंने अपने सीरियल में करा है, और तो मैं कोशिश करूँगी। देखिए जो थोड़ा सा फाउंडेशन अपने ब्लेंडर पे लेके जो अपने इनर आईज़ है इसको थोड़ा यहाँ पे लगा लेंगे, अदरवाइज ये देखिए कैसी लग रही है। और नाउ सी गाइस जो ये सीरियल है जिसका नाम टर्किश नहीं है, मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाती हूँ, बट जो ये सीरियल इट्स वेरी नाइस, इसके मैंने एक दो एपिसोड्स देखे हैं एंड इट्स टोटली डिफरेंट, बहुत अच्छा है। तो गाइस मेरा फाउंडेशन कंप्लीट हो चुका है, और मैं कंसीलर के लिए यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का फिट मी, मीन्स इतना ज़्यादा थोड़ा ज़रूरत तो नहीं महसूस हो रही है, बट मैं थोड़ा सा आइज़ को ब्राइटन अप करने के लिए यूज़ कर लेती हूँ थोड़ा सा इसे ही अपनी आई लिड पे लगा लूंगी, पर मैं इसे अभी ब्लेंड नहीं करूंगी, इसे मैं थोड़ी देर के लिए आईज पे ही रहने दूंगी जिससे कि अच्छे से सेट हो जाए, और मैं अगेन ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अपना जो है कंसीलर ब्लेंड कर लूंगी। सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे रोज पाउडर, मैंने इसमें डाल इसको इसमें डाल रखा है, और मैं बिग फ्लफी ब्रश से बिग सॉरी इसका हैंडल हीट लूँगी, गाइस मैं अब इसको बिग फ्लफी ब्रश से अपना फेस सेट कर लूँगी, सॉरी इसका हैंडल पता नहीं कहाँ चला गया, बट ये ब्रश मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और जो ये सेटिंग पाउडर है ये भी बहुत अच्छा है, इसे मैं काफ़ी टाइम बाद यूज़ कर रही हूँ, ये थोड़ा पिंकिश है बट इट्स नाइस। मेकिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि जो हयात का मेकअप है वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है, तो इसलिए मैं सिर्फ अपने फेस को सेट कर रही हूँ जिससे कि मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे। मैंने जो आईज़ पे कंसीलर लगाया था इसे मैं ब्लेंड कर लूँगी अपनी फिंगर से ही। गाइस अब बारी आती है आईब्रोज की, तो जो उनके आईब्रोज है वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है, बहुत ज़्यादा ब्लैक या ऐसी कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा शेप दी हुई नहीं, जैसे तो उनकी नेचुरल आईब्रोज है वही रहती है, इसलिए मैं बहुत हल्के से अपनी आईब्रोज को कलर दूँगी, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरी आईब्रोज सी कई जगह से बहुत ही अजीब सी हैं, बाल कम है, तो इसे हल्का सा बिल्कुल लाइट लाइट सा मैं इसको शेप करूँगी, बहुत ही लाइट सा इसे फिल करूँगी, सॉरी मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है मैं भूल जाती हूँ कि मुझे कहना क्या है, और मैं कुछ और ही कह रही थी, बहुत ही लाइट फिल करा है मैंने जहाँ जाने की लगे कि बस इस बंदी की पूरी आईब्रोज है, अलग अलग बार पर स्कूली से अच्छे से शेप दे दूंगी,
देखिए हम मेकअप कैसे क्या कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट लगता है, जरूरी नहीं कि हम जिसके जिसके साथ तरीके से मेकअप कर रहे हैं बिल्कुल उसको उसी की तरह ट्रांसफॉर्म हो जाए, अपना फेस शेप भी वैसी दे दे, उतना ही ज़्यादा कॉन्ट्रोल कर ले, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, अगर आपको कोई लोग पसंद हैं और आप चाहते हैं कि आप उनकी तरह दिखें, या तो आप देखिए अब हम किसी की तरह दिख नहीं सकते हैं, बट क्या है कि हाँ जो उन्होंने टेक्निक यूज़ करी, जो उन्होंने मेकअप अप्लाई करा, हम वो थोड़ा बहुत अपने फेस को करके मतलब कि उनका लुक क्रिएट कर सकते हैं, पर हम किसी की तरह दिख नहीं सकते। और मेरा मानना है कि हम हर किसी की अपनी पहचान होती है, तो उसे अपनी पहचान बरकरार रखनी चाहिए, हमें अपने आप किसी के उसमें ढालना नहीं चाहिए। तो फेस हमारा, मेकअप जो इंसान पसंद है उसका लुक हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मेरी आईब्रोज हो गई है, नाउ इट्स टाइम फॉर आई शेडो। गाइस आई शेडो के लिए मैं कुछ बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक लुक नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो हयात की आईज़ होती है बहुत ही स्मोकी, बहुत सिंपल सी होती हैं, वो काजल लगाती है तो हल्का सा स्मोक आउट कर लेती है। पैलेट है इट्स रेवोल्यूशन मेकअप अल्ट्रा कॉन्टोर पैलेट का, ये मैं ब्राउन कलर लेके अपनी बस आई लिड पे ब्लेंड करूँगी। सकते हैं आप आईज बिल्कुल सिंपल। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने जो उनकी फोटोज देखी हैं, वीडियोस देखी हैं, उसमें उन्होंने लाइनर अप्लाई नहीं करा है, बट जो उनकी अपर लिड होती है उसमें अंदर की तरफ इनर साइड पे वो हल्का सा उनके काज रहता है लाइनर, और वही स्मोक आउट होता है। तो अपनी आईज को मैं ऐसे हल्का सा अंदर की तरफ लगाऊंगी। वाटर लाइन पे काजल अप्लाई करूंगी। ये जो इस पैलेट का जो लाइटर शेड है, आप फेस पाउडर भी ले सकते हैं, इसको ब्रश पे लेके बस अपनी आई बोन पे लगा दीजिए। नाउ इट्स टाइम फॉर मस्कारा। तो मस्कारा के लिए यू नो एज यूजुअल माई एसेंस मस्काऊंगी, वो मैं फॉल्स लैशेज अप्लाई नहीं कर रही हूँ और मैंने लाइनर नहीं लगाया। अगर आप लोग चाहें तो लाइनर लगा सकते हैं, बट मैं लाइनर नहीं लगा रही हूँ और मैं बस एक स्ट्रोक लाइनर का लगाऊंगी, बस बहुत ही हल्के हाथों से, बस दैट्स इट। की तरफ मतलब कि नेचुरल लुक दिखना चाहिए। गाइस देख सकते हैं मेरी ऑलमोस्ट आईज कंप्लीट हो चुकी है, बट यहाँ पे जो मैं लुक कर रही हूँ वहाँ पे उनके आईब्रो बोन पे हल्का सा मुझे शिमरी सा लग रहा है, मीन्स वाइट वाइट सा, तो बस उसे मैं हल्का सा आई बोन पे लगाया है। इट्स वेट एंड वाइल्ड एयू न्यूट्रल नेचुरल तो इसका ये वाला कलर मैंने अपने आई बोन पे लगाया था, यही वाला आईब्रो बोन पे लगाया था, इतू सा इस एप्लीकेटर की हेल्प से लगाऊंगी। बस हमारी आईज कंप्लीट हो चुकी हैं। सी फेस, तो फेस को हम ब्रॉन्ज करेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉन्ज इस्तेमाल करती हैं, तो मैं अपने फेस को ब्रॉन्ज रेवोल्यूशन का अल्ट्रा कॉन्टोर पैलेट यूज़ करूँगी, और इसका मैं ये सबसे ये वाला कलर यूज़ करूँगी, ये लाइटर शेड लेके दिस वन इसको ब्लेंड करूँगी। इट्स अ वेरी नाइस टेक्निक। शेप में और मेरा बहुत ज़्यादा हट्टा कट्टा, तो इसे थोड़ा हम शेप में दे देते हैं, थोड़ा सा अपनी फोरहेड को भी ब्रॉन्जी लुक देने के लिए ब्रॉन्ज कर लेते हैं, थोड़ा अपने फेस को थोड़ा शेप देने के लिए, बहुत सा फेस है इसको कट करने में भूल गई, तो थोड़ा सा हमने ये कट कर लेती हूँ ब्रॉन्जिंग को, हल्का सा बहुत ही हल्का सा। और जो मैं ब्लशर पैलेट ले रही हूँ सिवाना कलर्स ब्रॉन्ज एंड कॉन्टोर हाईलाइट, और इसका मैं ये जो वाला कलर ले रही हूँ, उसको थोड़ा सा अपने ब्रश पे छुआऊंगी, थोड़ा ज़्यादा सा कलर आ जाए, मैंने इसे अगर यूज़ करा जिससे मुझे आइडिया नहीं है, और मैं हल्के हाथों से बहुत ही बस एक हेल्दी ग्लो आए, यही हेल्दी ग्लो चाहिए था हमें, थोड़ा सा नोज पे भी लगा लेती हूँ, थोड़ा सा फेस फोरहेड पे बिग फ्लफी ब्रश से थोड़ा ब्लेंड कर लेती हूँ, और इस अब सारा जो भी मैंने लगाया है मैं उसको अच्छे से ब्लेंड आउट कर लूँगी। तो
गाइस हमारा फेस मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इट्स वेरी सिंपल, आप इसे ऐसे चुटकी में जाके भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ टाइम की ज़रूरत नहीं है। तो लिप्स की बात आती है, लिपस्टिक जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है एक न्यूड लिपस्टिक, क्योंकि मोस्टली वो न्यूड कलर्स ही लगाती है, वो न्यूड पिंक लिपस्टिक मैं यूज़ कर रही हूँ। इट्स ब्लू हेवन नॉन ट्रांसफर लिप कलर, से बहुत ही अच्छी और अफोर्डेबल रेंज में है। मेरी जो लैक्मे 9 to 5 वन ऑफ माय फेवरेट लिपस्टिक्स हैं, लगाऊंगी लिटिल बिट। गाइज ये है मेरा कंप्लीट हयात इंस्पायर्ड मेकअप लुक। आई होप आप लोग को मेरा ये लुक पसंद आया हो, और अगर आप लोग को मेरा ये लुक पसंद आया हो, तक आप लोगों ने मेरे वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ उनको जाके जरूर देखिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज सब्सक्रिप्शन इज टोटली फ्री। और अपने अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और जो ब्लैक थम्स अप है उसे ब्लू कर दीजिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। और ये लुक जो है आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।